गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल कंप्लीट पार्ट 4 ऑफ सिल्क रोड चैप्टर एंड ड्यूरिंग दिस द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो इन पार्ट 3 वी सॉ दैट द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ प्लेसेस होर एंड दार्चन। इन दार्चन ही बिकेम इल, ही सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड आफ्टर दैट His driver Seaton took him to the hospital and medical college, and there he got the treatment, and after getting the medicines from there he recovered and he slept soundly. So in this part 4 the author describes his further experiences. So let us see. Once he saw that I was going to leave, Seaton left me. Here the author describes about his driver Seaton. पहले जब वो आया था तो डैनियल भी उसके साथ था और सीटन भी है। डैनियल पहले जा चुका है, अब सीटन की बात कर रहा है कि सीटन ने जब मेरे को देखा कि आई वॉज गोइंग टू लिव, कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो सीटन लेफ्ट मी, सीटन ने भी मुझे छोड़ दिया। टू रिटर्न टू लहासा, क्योंकि उसने लहासा वापस आना था। तो एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी He knew that it did not really matter if I passed away. As a Buddhist, उसने मुझे ये बताया कि वह जानता था कि अगर मैं मर जाता, ऑथर कहता है कि अगर मैं मर जाता तो उसने मुझे कहा कि it really did not matter, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था। But he thought it would be bad for business. लेकिन business point of view से ये अच्छा नहीं था। कहने का मतलब सीटन ड्राइवर है, ड्राइवर के तौर पे वो पैसेंजर्स को यहाँ लेके आता है, लेकिन कहता है कि एज ए बुद्धिस्ट अगर ये ऑथर कहता है कि मैं मर जाता तो ये कोई ख़ास बात नहीं थी, फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छी बात नहीं थी। दार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। नाउ द ऑथर वॉज अलोन, ऑथर अकेला है, वो कहता है कि जो दार्चन है वो मेरे को इतना हॉरिबल नहीं लग रहा था आफ्टर ए गुड नाइट्स स्लीप, रात को अच्छी नींद आने के बाद। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली डेरेलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज। ऑथर कहता है कि जो दार्चन प्लेस है ये, इट वॉज स्टिल डस्टी, मतलब इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा थी, और पार्शली डेरेलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, कूड़े कचरे के ढेर जो हैं इसमें यहाँ पर ज़्यादा थे। डेरेलिक्ट मीन्स अबंडन, त्यागा हुआ, एंड पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज। पंक्चुएटेड मतलब बीच बीच में जो है, इंटरवल्स में काफ़ी इसके अंदर रबल, ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, उसको रबल बोलते हैं, ब्रोकन स्टोन्स और ब्रिक्स फ्रॉम ए बिल्डिंग और वॉल, उसको रबल बोलते हैं। और रिफ्यूज़ क्या होता है, जैसे रबिश, गार्बेज, कूड़ा करकट होता है, मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा थी। But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas. लेकिन जो सन है यहाँ पर पूरा चमकता था, shone brightly, और the outlook across the plain, मैदान के उस तरफ पार जो है, the south gave me a vision of the Himalayas. मुझे जो है हिमालयास दिखा, commanded by a huge स्नो कैप्ड माउंटेन, स्नो कैप बर्फ़ से ढका हुआ माउंटेन, कौन सा था, गरला मंदाता, गरला मंदाता के जो माउंटेन था बर्फ़ से ढका हुआ वो उसको नज़र आया। विथ जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, विस्प ऑफ क्लाउड मतलब एक छोटा सा बादल भी उसके ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर दिख रहा था। द टाउन हैड ए कपल ऑफ रेडीमेंट्री जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजन्स। रेडीमेंट्री क्या होता है, बेसिक सिंपल, वॉट इज मीनिंग ऑफ रेडीमेंट्री सिंपल। इस टाउन के अंदर, दार्चन के अंदर जो थे सिंपल से दुकानें थी जहाँ पर लोग क्या बेचते थे, सिगरेट, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजन्स। प्रोविजन्स का मतलब सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक, as well as the usual strings of prayer flags.
इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल, एक दुकान के सामने आदमी वहाँ इकट्ठे हो जाते गेम ऑफ पूल खेलने के लिए। एंड द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर। बैटर्ड टेबल क्या होता है? ओल्ड, यूज्ड लॉट। बैटर मतलब जो वो काफ़ी पुरानी टेबल थी, जो काफ़ी जैसे फट्टा होता है, लोग वहाँ बैठ के खेलते थे। लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है स्ट्रेंज, विच इज़ नॉट सुटेबल, जो बिल्कुल तालमेल ना खाती हो, बड़ी ही अजीब लगती थी वो टेबल वहाँ पर पड़ी हुई। और वाइल नियर बाय वुमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रूक दैट बैबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस। और उसके पास औरतें क्या करती थी, वो अपने जो ठंडा पानी है, बर्फ़ जैसा आइसी वाटर, उसमें जो है नदी में से अपने बालों को धोया करती थी, और वो जो पानी है वो मेरे गेस्ट हाउस के पास से वो निकला करता था। डार्चन फेल्ट रिलैक्स एंड अनहरिड। डार्चन जो जगह थी बिल्कुल आरामदायक, रिलैक्स थी, एंड अनहरिड वहाँ बिल्कुल स्लो था। फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देर वर नो प्रे। लेकिन एक उसमें कमी जो ऑथर ने ढूंढी डार्चन के अंदर, वो क्या थी कि वहाँ पर पिलग्रिम्स नहीं थे, तीर्थ स्थान वहाँ पर नहीं थे। आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स। जैसा कि मुझे बताया गया था कि एट द हाइट ऑफ पिलग्रिम सीजन, जब तीर्थ यात्रा का सीजन आता है, मौसम आता है, तो उस समय जो काफ़ी यहाँ रश होता है, काफ़ी लोग जो यहाँ पर आते हैं। मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन, कुछ लोग अपना रहने का सामान, साजो सामान लेके आते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजिस, अपने जो टेंट वगैरह है किनारे पर लगा लेते हैं। देन दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल्ड आउट ऑन टू द प्लेन, वो मैदान तक जो है अपना टेंट को फैला लेते हैं। स्पिल डाउन का मतलब होता है स्प्रेड आउट, फैला लेना। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, मैंने भी यहाँ आने के लिए टाइम बनाया था, प्लान किया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पहुँचने के बाद कि आई वॉज टू अर्ली, जैसे मैं सबसे जल्दी आ गया हूँ, बाकी लोग अभी आए नहीं हैं। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन डार्चन्स ओनली कैफे। पॉन्डरिंग का मतलब होता है बच्चों सोचना, कि आई वॉज पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग मतलब कंसीडर, विचार कर रहा था जब मैं चाय पी रहा था। आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन, और कुछ विचार करने के बाद, आई कंक्लूडेड दे वर सेवरली लिमिटेड, कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी सीमित हैं, लिमिटेड हैं। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, साफ नज़र आ रहा था कि आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, अकेला जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस वो नहीं कर पा रहा था। इन माई डिफेंस आई हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, अगर अपने बचाव की बात करूँ तो इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, उसकी नींद जो है अभी वो ठीक कम्फर्टेबल नहीं हुई थी। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट आई कुड ओनली वेट, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ इंतज़ार कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, जो पिलग्रिमेज ट्रेल है वेल ट्रोडन, वो काफ़ी प्रचलित थी। वेल ट्रोडन का मतलब होता है काफ़ी प्रचलित होना, मच यूज्ड, काफ़ी लोग यहाँ आते थे। बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलोन, फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना, लेकिन अकेले यात्रा करना तो मैं सोच भी नहीं सकता था। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, कोरा जो एक्चुअली माउंट कैलाश पर, वो सीजनल होता है, क्योंकि पूरा साल वहाँ पर नहीं लोग जा सकते, तो ये सीजनल था, मौसमी के हिसाब से था। तो क्या पता वहाँ पर बर्फ़ जम जाए, बर्फ जम जाने की संभावना थी। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, लाइबल मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, मुझे आइडिया नहीं था कि अब बर्फ़ अभी जमी हुई है या क्लियर हो गई है। बट
आई वॉज नॉट एनक्रेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चन्स ब्रुक। लेकिन जो डार्चन्स के किनारों पर अभी भी जो बर्फ जो डर्टी आइस जमी हुई है वो मेरे को इनक्रेज नहीं कर रही थी। सेंस सीटन हैड लेफ्ट, क्योंकि अब सीटन भी मेरे को छोड़ के जा चुका था। आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनी वन इन डार्चन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। ऑथर वॉज वेरी अपसेट कि सीटन भी उसे छोड़ के जा चुका था और वो सोच रहा था कि यहाँ शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो मेरी इंग्लिश में बात समझ सके या इंग्लिश में मेरे को जवाब दे सके और मेरी क्वेश्चन का जवाब दे सके। अनटिल दैट आई मेट नोरबू, वन मोर करेक्टर इन द स्टोरी, नोरबू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। जब तक मुझे नोरबू नहीं मिल गया, अब नोरबू कौन है, लेट अस सी। द कैफे वॉज स्मॉल डार्क एंड कैवर्नस। डार्चन के अंदर एक ही कैफ़े था, वो काफ़ी छोटा था, उसमें अंधेरा था और कैवर्नस का मतलब होता है गहरा, काफ़ी अंदर डीप था वो, ठीक है। विद दिस लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडल, वहाँ पर जो स्टोव है काफ़ी जो है वो बहुत बड़ा था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रेड इन शीट्स, वहाँ की जो कैफे की जो दीवारें हैं और सीलिंग ऊपर छत है वो रेत दिन वो ढकी हुई थी किससे, इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर शीट्स से जो वो ढकी हुई थी, मल्टी कलर प्लास्टिक शीट्स। ऑफ द स्ट्राइप्ड वैरायटी ब्रॉड ब्लू एंड रेड एंड वाइट, ब्रॉड काफ़ी चौड़ी पट्टियाँ प्लास्टिक शीट्स थी ब्लू कलर की, रेड की और वाइट की। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स होल्ड ऑल ओवर चाइना, जिसे यूज़ किया जाता था एंड स्टाउट, स्टाउट मतलब मेरे काफ़ी हैवी, और वॉल्यूमिनस का मीनिंग होता है वेरी लार्ज, जो उन शीटों का जो यूज़ है वो शॉपिंग बैग बनाने के लिए यूज़ किया जाता था इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, जिसे चाइना में और एशिया और यूरोप के अंदर उसे काफ़ी बड़े स्केल पर बेचा जाता था। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रोड टूडे, अगर उसकी बात करें एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट, उस प्लास्टिक को जो है हम चाइना का मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कह सकते हैं अलॉन्ग द सिल्क रोड टूडे। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजिशन, ऑथर डिस्क्राइब करता है कि उस कैफ़े में डार्चन के अंदर सिर्फ एक ही विंडो थी और जहाँ पर मैं बैठा, सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, क्योंकि काफ़ी अंदर अंधेरा था, डार्क था वो। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नावल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, ऑथर कहते हैं मैं अपने साथ एक नावल भी लेके आया था ताकि उसको मैं पढ़ सकूँ। नोरबू सा माई बुक, नोरबू ने मेरी बुक देखी, वेन ही केम इन एंड आस्ट विद ए जेस्चर, और एक इशारा करते वो पूछा, इफ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिकेटी टेबल। रिकेटी टेबल क्या होती है, नॉट स्ट्रॉन्ग और वेल मेड लाइकली टू ब्रेक, जैसे कि टूटने वाली, रिकेटी क्या होता है टूटने वाली। तो उसने मुझे इशारे से पूछा कि मैं उसके सामने, कि वो मेरे सामने बैठ सकता है, और क्या पूछा नोरबू ने, यू इंग्लिश ही इंक्वायर्ड। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्टक अप ए कन्वर्सेशन, तो जब उसने चाय ऑर्डर किया तो मैंने उसे बताया कि यस मैं इंग्लिश हूँ, एंड वी स्टक अप ए कन्वर्सेशन, और हमने बातचीत करनी स्टार्ट की। नेक्स्ट है, आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्राम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग ए विंड चीटर एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल, मुझे नहीं लग रहा था कि वो वहाँ का लोकल रहने वाला था क्योंकि उसने तिब्बतन क्लोथ्स नहीं डाले हुए थे, उसने एक विंड चीटर डाला हुआ था। विंड चीटर होता है प्लास्टिक टाइप में जो आप डालते हैं ताकि हवा अंदर क्रॉस नहीं करती, और मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और मेटल रिम के उसने गोगल डाल रखे थे जो कि वेस्टर्न स्टाइल से थे। ही वॉज तिब्बतन, ही टोल्ड मी, कि मैं तिब्बतन हूँ बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, वो कहते कि तिब्बतन है बट वर्कड इन बीजिंग चाइना में काम किया था उसने, किसमें, एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस
इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। ये नोरबू की काम था। आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। मैंने ये गैस किया कि शायद वो यहाँ पर किसी फील्ड वर्क पे आया हुआ है। यस एंड नो, हाँ या ना, ही सैड, आई हैव कम टू डू द कोरा, माई हार्ट जम्प्ड। जब उसने मेरे से पूछा कि आर यू इंग्लिश, तो ये येस एंड नो उसका जवाब दे रहा है। उसने फिर से पूछा कि जब उसने मेरे से पूछा था कि आर यू इंग्लिश, तो अब फिर से वो मेरे से चेक कन्फर्म कर रहा है येस एंड नो। तो क्या कहते हैं कि आई हैव कम टू डू द कोरा, माई हार्ट जम्प्ड। नोरबू हैड बिन राइटिंग अकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा। क्या मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ कोरा करने आया हूँ। और नोरबू जो है वो काफ़ी समय से कैलाश कोरा के बारे में लिख रहा था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों से कोरा की इम्पोर्टेंस के बारे में वो लिख रहा था नोरबू। ही टोल्ड मी बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ। लेकिन वो खुद उसने कभी प्रैक्टिकली कोरा नहीं किया, लेकिन वो उसके बारे में लिख रहा था। When the time came for me to tell him what brought me to do Darchan, his eyes lit up। और जब समय आया कि मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ Darchan क्यों आया हूँ, तो उसकी आँखों में एक चमक आ गई। वो कहते कि we could be a team, हम तो एक टीम हो सकते थे, साथी बन सकते थे। He said excitedly, काफ़ी excitedly से कहा उसने, two academies who have escaped from the library। Perhaps my positive thinking strategy was working after all। So here the author says that perhaps my positive thinking strategy was working after all, and two academics who have escaped from the library। So here author discuss about two academics। दोनों ही scholar थे, एक नोरबू और एक खुद की बात कर रहा है। Who have escaped from the library means now they were fond of study। उनको दोनों को ही पढ़ने का शौक था, और अब जो है यहाँ पर एक विजिट पे आए हुए हैं, जर्नी पे आए हुए हैं, और वो कोरा करना चाहते हैं दोनों। Perhaps my positive thinking strategy was working after all। जो उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी थी वो काम कर रही थी। हालांकि डैनियल और सीटन उसको छोड़ के जा चुके थे, लेकिन फिर भी जो है अब उसे नोरबू मिल गया है उसको कंपनी देने के लिए। तो नेक्स्ट है इसमें, माय इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू हु वाज आल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस वाज टेम्पर्ड बाय द रियलाइजेशन दैट ही वाज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड एज आई वाज फॉर द पिलग्रिमेज। कि माय इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू, मुझे जब नोरबू से मिला तो आई वाज आल्सो रिलैक्स्ड। हु वाज आल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट, वो भी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। But was tempered by the realization that he was almost, जब मैंने ये देखा कि वो भी मेरी तरह से ill equipped था, as I was for the pilgrimage, मतलब उसके पास भी इतना सामान नहीं था तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be। वो लगातार मुझे ये बताता रहा कि मैं वो कितना मोटा था, how fat he was and how hard it was going to be, कितना मुश्किल होगा कोरा करना। very high up, इतनी ऊंचाई पे जाना। he kept reminding me so tiresome to walk, मतलब वो मुझे ये कहता रहा कि बहुत थक जाएंगे इतनी चढ़ाई पर चढ़ना ऊपर। so he was not really a practicing buddhist, author कहते हैं कि वो एक practicing buddhist नहीं था। it transpired but he had enthusiasm and he was of course tibetan, लेकिन उसमें एक तरह से जोश था, और क्योंकि वो एक तिब्बतन था, उसके जोश को देख के यूँ लगता था कि ही वॉज ए तिब्बतन। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली एनविसेज्ड मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ द डिवोट बिलीवर्स। तो ऑथर कहते हैं कि यद्यपि मैंने ये विचार तो ये बनाया था, एनविसेज का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना, कि मैं जो अपनी यात्रा है जो जितने भी डिवोट बिलीवर्स होंगे, जितने भी भगत होंगे, उनके साथ करूंगा।
ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड, लेकिन विचार करके मैंने ये डिसाइड किया दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन। नोरबू जो है वो मेरा एक आदर्श साथी रहेगा। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अवर लगेज। तो उसने सजेस्ट किया कि वो एक कुछ एक याक्स जो हैं वो ले लेंगे टू कैरी अवर अपना सामान ले ढोने के लिए। विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन, जिसको मैंने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एडवाइस है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो खुद जो है माउंटेन के चारों ओर चक्कर लगाए। प्रोस्ट्रेटिंग का मतलब होता है वहाँ गोल चक्कर लगाना। नॉट पॉसिबल ही क्राइड, लेकिन वो चिल्लाया कि वहाँ चक्कर लगाना तो नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू नोरबू, नॉट पॉसिबल, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्ट्रिकल लाफर, वो टेबल के ऊपर जो है जो टूटी हुई टेबल थी उसके ऊपर ढेर हो गया और वहाँ पर हंसने लगा। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्ट्रिकल लाफर, पागलों की तरह वो हंसने लगा था। इट वॉज नॉट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू लॉन्ग, हालांकि वो वहाँ पर कोरा करना उसके बस की बात नहीं थी क्योंकि उसकी जो टम्मी थी, उसका जो पेट है नोरबू का, वो बहुत बड़ा था। तो ही स्टार्टेड लाफिंग ऑन दिस आइडिया दैट ही विल नॉट बी एबल टू टेक ए कोरा, वो कोरा नहीं कर पाएगा। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस डियर स्टूडेंट्स अबाउट द ऑथर। ऑथर इसमें डिस्क्राइब करता है कैसे उसकी जर्नी जो है माउंट कैलाश की तरफ वो कैसे बढ़ा और क्या क्या रास्ते में उसको चीज़ें देखने को मिली, किस किस आदमी से वो मिला। एंड ही टेल्स शेयर्स हिज एक्सपीरियंस अबाउट द सिल्क रोड। सिल्क रोड एज आई टोल्ड यू इट इज़ ऑलरेडी अ रूट थ्रू विच द सिल्क वॉज ऑल्सो बींग ब्रॉट इन द एंशियंट टाइम्स। तो दिस इज़ ए ट्रेवलॉग, एक तरह से जर्नी है, यात्रा के बारे में बताया गया है। हाउ डिड द ऑथर एन्जॉयज हिज जर्नी टू कैलाश माउंटेन। सो आई होप यू वेल अंडरस्टूड इट। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। सो डियर स्टूडेंट्स रीड द टेक्स्ट अगेन टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर एंड कंप्लीट इट्स क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू मे राइट टू मी। Thank you. Have a nice day.